देखिए टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन जरा ध्यान से सोचिएगा टफ नहीं है इसके कुछ मेथड्स हैं मेथड के हिसाब सॉल्व होता है कोई टफ नहीं इंट्रिकल आना चाहिए आपको इंट्रीसन आना चाहिए आपको देखिए इक्वेशन का मतलब जानते हैं इक्वलिटी होना चाहिए हमने बहुत टाइप के इक्वेशन पढ़े हैं एलजबरी इक्वेशन पढ़ा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है वही इक्वेशन कुछ भी लिख दो क्या दिक्कत है तो सॉल्व करने पर डिपेंड करता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि देखिए पहले जो आप जानते हैं अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स हो अगर मैं डिफरेंसियन बता रहा हूं अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स हो यानी वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड कर रही है एक्स चेंज होगा तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी यानी एक्स भी वेरिएबल है एक्स भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ये आपका इनडिपेंडेंट है इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है और जो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं वह है डेरिवेटिव ऑफ इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल इसको डेरिवेटिव कहते हैं ठीक है ठीके? तो कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और जिसमें उसका डेरिवेटिव हो डेरिवेटिव होना जरूरी है तो ऐसा इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव। तो दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं ये होना ज़रूरी है ये दोनों होना हो चलेगा लेकिन ये होना ज़रूरी है ठीक है जैसे कोई एग्जाम्पल कोई भी लिख लो जहाँ डीड एक्स जो मन हो वो लिख लो जैसे आपने कहा भाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर वाई बराबर जीरो अब देखिए इसमें डेरिवेटिव है कि नहीं है डेरिवेटिव होना चाहिए एक्स वाई हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और इक्वेशन भी है इक्वल का साइन भी बना हुआ है मैंने कहीं लिखा है आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई बराबर जीरो अब कैसे सॉल्व होगा तो बात की बात है तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती समझ में आ गया शॉर्ट डेफिनेशन कि एनी इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डेरिवेटिव होना जरूरी है एक्स वाई का होना जरूरी नहीं है मैंने तो कहीं पर मान लिया लिखा हो कि डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो तो यह है डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव इसमें है और अगर हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिक्वल है डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है बोले यार नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट हो जाओ टह जा करके ये एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन है एलजेबरिक इक्वेशन है डेरिवेटिव होना जरूरी है तो ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है अब कितने टाइप के होते हैं देखो डिफरेंशियल <coughs> इक्वेशन दो टाइप के होते हैं एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेशन आर्डनरी डिफरेंशल इक्वेशन में क्या होता है कि आपका जो आप डिवाइड एक्स करते हैं ना किसके रेस्पेक्ट में करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं और एक्स कैसा वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट तो जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे लिख लो हल्की सी अ डिफरेंशियल इक्वेशन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डेरीवेटिव तो वाई का होता है ना डेरीवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो अगर वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है तो वाई क्या है वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है डेरीवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इनडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ये आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल है इनडिपेंडेंट वेरिएबल और यहां पर यह केवल एक होना चाहिए ओनली वन मतलब कोई अगर इक्वेशन ऐसी लिखी है मान लिया x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो अब बताइए ये y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको केवल x के रेस्पेक्ट में ही तो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाता है इसको कहते हैं ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगली होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बस डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है यहाँ जो ओनली वन इंडिपेंडेंट है ना वहाँ पर मोर देन वन हो जाता है तो लिखिएगा अ डिफरेंशियल इक्वेशन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इनवॉल्विंग द डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट बोले तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरेबल मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरेबल मतलब जैसे मान लिया कोई फंक्शन है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड टी सब का है ठीक आप, आप है आप वाई हटा दो ठीक है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स जेड टी ऐसा मान लिया है ठीक है अब y डिपेंड किस पे करता है x पे भी करता है y किस पे करता है z पे भी करता है y किस पे करता वो बात देख लीजिए किताब में इधर देख लीजिए t पे भी करता है ठीक है एक से ज़्यादा इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ठीक है थीके? तो जब इसको मान लिया कहीं पर कोई इक्वेशन ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स भी हो प्लस डी वाई बाई डी टी भी लिखा हो ठीक है प्लस डी वाई बाई डी जेड भी लिखा हो तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं वहां ये डी इस्तेमाल नहीं किया जाता है वहां पर लिखते हैं डेवर वाई बाय डेवर एक्स कुछ लोग इसको डेल वाई बाय डेल एक्स पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग डेल पढ़ते हैं जबकि मैथमेटिक्स की भाषा में डेल ये वाले साइन को कहा जाता है तो हम डेवर पढ़ते हैं कुछ लोग डेल पढ़ते हैं दोनों बातें सही हैं तो इसमें होता क्या है जब वाई को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो वाई जेड और टी कॉन्सेंट होता है जब किसी एक के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन तो अदर को हम क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट मानते हैं तो ये होता है आपका ये ऐसे लिखा नहीं जाता मैंने इसको समझाया डेवर वाई बाई डेवर टी है प्लस डेवर वाई बाई डेवर जेड है तो इस प्रकार से करेंगे चूंकि आपके यहाँ पार्शियल है नहीं आपको केवल ऑर्डनरी इक्वेशन पढ़ना है अब टाइप्स जो कि आपके एनसीआर टी में लिखा था इसलिए हमने बता दिया ठीक है नोट करें अब इसका नोटेशन क्या होता है कैसे इसको लिखा जाता है हम मानते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x ठीक है तो अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे dy वाई बाई डी या इसको लिखेंगे कैपिटल dy या इसको लिखेंगे y डैस या इसको लिखेंगे y1 या इसको लिखेंगे एफ डैस एक्स ये कई तरीके से इस डेरिवेटिव को लिखा जाता है ठीक है मान लिया दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको पढ़ते हैं d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बहुत लोग डी स्क्वायर वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी आप पढ़ें ठीक है तो वहाँ पर कोई आपको कोई ऑडियो क्लिप थोड़ी जाएगी तो पढ़ गलत पढ़ रहा है भाई ठीक है जनरली डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पढ़ा जाता है या इसको लिखते हैं डी टू वाई या इसको लिखते हैं वाई डबल डैश या इसको लिखते हैं वाई टू या इसको लिखते हैं एफ़ डबल डैश एक्स तीन बार करेंगे हम जानबूझ के तीन चार बार लिख रहे हैं डी एक्स क्यूब तो इसको लिखेंगे डी थ्री वाई या इसको लिखेंगे वाई ट्रिपल डैश या इसको लिखेंगे वाई थ्री या इसको लिखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स अब देखिए अगर बहुत बार डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसमें कितने डंडे आइजन लगाओगे टक 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 नहीं लगाओ गिनते फिरेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें एन बार ऐसे लिखेंगे तो हम फिर ये वाला इंडिकेशन नहीं करते हैं हम ये लिखते हैं केवल जैसे आपको एन बार डिफ्रेंशिएट कर हो डी एन वाई बाई डी एक्स टू पावर एन या इसको लिखेंगे डी एन वाई या इसको ये नहीं लिखेंगे हम वाई एन लिख देंगे ठीक है यहां लिख देते हैं एफ और एन यहां ब्रैकेट में लिखा जाता है जो डेरिवेटिव का होता है एन वो ब्रैकेट में लिखा जाता है हैं हाँ लिख सकते हैं वाई एन लिख सकते हैं लेकिन इसको ज़्यादातर प्रेफर करती है नहीं है ठीक है क्योंकि पावर में दिक्कत करता है कि पावर ए लिखा हुआ है इसलिए इस प्रकार से लिखा जाता है नाइन्टी परसेंट ये लिखा जाता है तो जनरल सलूसन में या तो ये आपको मिलेगा या तो ये आपको मिलेगा ठीक है ये मिलता है ये एक दो बार मिलता है एन बार में बहुत कम मिलता है कभी कभी पाया भी जाता है <coughs> मैंने कभी को पा गया बोले अरे तुम कहाँ तो? सर ने कहा था तुम तो, तो, तो आओगे नहीं बोले नहीं इस बार सोचा हम ही चले जाएँ तो कभी कभी होता है तो ये तो नोटेशन हो गया है ठीक है नोट करें अगला पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसका मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरीवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया कितनी अधिक बार डिफ्रेंशिएट किया गया जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसमें आएगा डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई बराबर जीरो या एक और बढ़ा देते हैं थ्री डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर फोर प्लस वाई बराबर जीरो देखिए इसका मतलब क्या d फॉर एट वाई पॉइंट एक्स फोर एट होता है नहीं इसका मतलब होता है डी टू वाई बाई डे स्क्वायर को चार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन अगर हम कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया मैक्सिमम तीन बार किया गया दो क्यों उतारे हो तीन बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर क्या होगा थ्री तो ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार उसको डिफ्रेंशिएट किया गया जैसे मान लिया कोई एक एग्जाम्पल ले लें ले, एक और कोई ले लें एक्स ले ले, एक ले ले, एक ले, एक ले, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन इसका एंगल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसका ऑर्डर क्या होगा एक बार डिफरेंश किया गया ठीक है तो ये ऑर्डर होता है जितनी बार किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अधिक अधिकतम बार उस उस इक्वेशन में हो किया हो कौन कह कौन नहीं होगी मालूम नहीं होगी हम जो बता रहे उतना पढ़िए आप इसका ऑर्डर इसको एक बार इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है इसकी डिग्री डिफाइन नहीं ऑर्डर की बात मैं कर रहा हूँ मैं डिग्री की बात नहीं करूँ आधी बात समझ कर मैं उछलना शुरू कर दिया करो जम शुरू कर दिया मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है नोट करिए देखिए अगर डिग्री ऑफ पॉलिनियल देखो हमने पॉलिन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐ क्या लिख दिया सॉरी डिग्री ऑफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन वो तो हमने पढ़ा हुआ है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए हमने पॉलिनामियल पढ़ा है पोलिनियल का मतलब क्या होता है अगर किसी वेरिएबल में कोई पॉलिनामियल लिखा हुआ है या इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसको पॉलिनामियल तब करेंगे जब उसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो ये होता है ना मतलब आपको अगर मान लिया मैं बात कर रहा हूँ पोलिनियल की अगर थ्री एक्स प्लस वाई बराबर जीरो है तो यह है पोइनामेल बात भाई साहब दो वेरिएबल इसमें है अगर थ्री एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सेवन है तो ये है ये पॉलिनियल नहीं है क्योंकि तो डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी उसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के जो पॉली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसके डिग्री में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं पहली कंडीशन कि इसमें जो पॉलिनियल होना चाहिए वो डेरिवेटिव होना चाहिए मतलब द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी, द बस यही एक स्टेटमेंट है द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनियल पॉलिनियल ऑफ जैसे वहां वेरिएबल होता था यहां डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव होता है नहीं समझे मतलब जो डेरिवेटिव होता है ना डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए ठीक है अंडर रूट नहीं चलेगा निगेटिव नहीं चलेगा उसको साइन के अंदर गुजर दो उसका साइन ले लो नहीं चलेगा उसका लॉग ले लो नहीं चलेगा उसको इट इटफॉर्म कर दो नहीं चलेगा भाई जैसे आप मान एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन वाई बराबर ज़ीरो अब देखिए हम वाई की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं जितने भी डेरिवेटिव हैं चाहे एक बार डिफ्रेंश किया गया हो चाहे दो बार डिफ्रेंश किया गया हो उसकी पावर निगेटिव तो नहीं है यानी नेचुरल नंबर है ना होल नंबर इसकी पावर टू है इसकी होल पावर कितनी है वन है तो इसकी डिग्री डिफाइंड है भाई डिग्री बताने के पहले तो बताना पड़ेगा ना डिफाइंड है कि नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइंड है तो अगर हम कहें इसकी डिग्री है क्या इसकी डिग्री क्या है तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसके पावर को उसकी डिग्री कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी बार डिफरेंस किया आपने? दो बार इसकी पावर कितनी है इसकी डिग्री कितनी होगी वन ठीक है लेकिन जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए जैसे मैंने कहा डी थ्री वाई बाई डीएक्स क्यू प्लस साइन डी वाई बाई तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है इज इक्वल टू जीरो क्वेश्चन तो है डिग्री नॉट डिफाइंड डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों भाई नहीं डिफाइंड है हमने कहा डेरिवेटिव जो है ना उसका साइन ले लिया उठा करके साइन लेना मतलब उसको एंगल घुसेड़ दिया जा करके आपने ई टू पावर लिख दिया डी आई डी एक्स आपने लॉग लिख दिया डीवाई डी एक्स आपने साइन इनवर्स लिख दिया डीवाई डी एक्स केवल आप डीवाई डी एक्स अकेला लिखिए उस पर पावर कैसे होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए तो यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर टू प्लस साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स क्या है डिग्री इसकी इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसकी भी डिग्री डिफाइंड नहीं है तो ये डिफाइंड नहीं है उसका सलूशन नहीं निकलेगा अलग की बात होती है लेकिन उसका ऑर्डर है इसको एक बार दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया है इसलिए इसका ऑर्डर डिफाइंड है इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है सलूशन निकलना ना निकलना अलग बात होती है ठीक है और जब आप आगे क्लास में चलेंगे जैसे हम आ, क्लास टेंथ में पढ़ते थे धीरा द्रा, सीधराचार फार्मूला जब यहाँ निगेटिव आता था तो हम कहते थे नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन कहते थे ना चाहे स्कूल कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया था आपने तो फिर आगे जब चल के पढ़े तो इसका भी कॉन्सेप्ट आ गया तो उसी प्रकार से जब आगे चलेंगे तो इसका भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तरीका दूसरा होगा अलग की बात है ठीक है तो समझ में आ गया डिग्री क्या होती है मतलब आप डी वाई वाई डी एक्स के साथ कोई छेड़खानी करें नहीं करेंगे ना उसका साइन लेंगे ना इनवर्स नाई की पावर ना लॉग कुछ नहीं लेंगे वह अकेला जो है उसकी पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए ठीक है तो यह बात समझ में आ इक्वेशन एक्सरसाइज कौन सी है 9. 9 क्लास ट्वेल्थ यह डिफरेंशियल इक्वेशन है डी फोर वाई अपॉन डीएक्स पॉल फोर प्लस साइन वाइट ट्रिपल डैश ऑर्डर बता रहे नई पुरानी बुक कुछ लफड़ाई को लू जीरो इसका ऑर्डर कितना है ऑर्डर क्या होता है जितनी बार आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया मैक्सिमम बार कितनी बार किया चार बार तो इसका ऑर्डर कितना हो गया चार डिग्री कितनी हो गई अभी हमने क्या कहा कि किसी भी डेरिवेटिव के साथ साइन नहीं होना चाहिए लॉग नहीं होना चाहिए ईट पॉड नहीं होना चाहिए साइन साइनवर्ड्स नहीं होना चाहिए यानी कोई खुरापात नहीं होना चाहिए तो यानी कि नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड क्यों दर इज अ खुराफात डेरिवेटिव ऐसा लिखेंगे आप हाँ इसको कितनी बार डिफ्रेंसीट किया गया एक बार तो इसका ऑर्डर क्या हो गया वन और मैक्सिमम बार मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंट किया गया एक बार और इसकी होल पावर कितनी है वन इसकी डिग्री कितनी होगी वन इसको कितनी बार मैक्सिमम डिफ्रेंश किया गया दो बार तो इसका ऑर्डर कितना है इक्वल टू इक तो लिखा नहीं हमने ये क्वेश्चन क्या है इक्वल टू तो जीरो है ना ये तो बताया नहीं तुमने इक्वल टू ज़ीरो तो लिखो इसका ऑर्डर कितना है दो इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री कितनी है नहीं ले फोर बड़ा बड़ी सी पावर है हाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर मैक्सिमम डेरिवेटिव का पावर होता है इसकी डिग्री क्या होती है फोर लिखे जा रहे थे वन यहाँ पे आइए कितनी बार डिफ्रेंश किया गया इसको मैक्सिमम दो बार तो ऑर्डर क्या हो गया दो डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड क्यों क्योंकि डिग्री के साथ इन्होंने कॉज लगा दिया इसको कितनी बार डेरिवेटिव किया गया दो बार ऑर्डर कितना हो गया दो डिग्री कितनी हो गई वन तो ये आपका ऑर्डर डिग्री हो गया इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन <coughs> क्या रहा है वाई ट्रिपल कितनी बार डेस्ट किया गया तीन बार तो इसका वाई ट्रिपल डेस का स्क्वायर वाई डबल डेस अधिकतम कितनी बार डिफ्रेंसिएट किया गया तीन बार तो ऑर्डर क्या हो गया डिग्री क्या हो गई अधिकतम डिफ्रेंसियन का पावर तो ये हो गया टू इसको अधिकतम कितनी बार डिफरेंट किया गया वाई ट्रिपल डेस तीन ऑर्डर क्या हो गया क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है वन इसका डिग्री हो गया वन इसको अधिकतम कितनी बार डिफ्रेंश किया गया एक बार तो इसका ऑर्डर एक डिग्री भी वन क्योंकि इसका होल पावर वन है इसको कितनी बार डिफ्रेंश किया गया अधिकतम दो बार तो ऑर्डर दो डिग्री वन क्योंकि इसकी होल पावर वन है इसी इसी को कंसिडर किया जाएगा इसको अधिकतम कितनी बार डिफ्रेंश किया गया दो बार डिग्री डिग्री पॉलिनॉमियल में होना चाहिए वो आपका पॉइनियल डेरिवेटिव का होना चाहिए इस वाई से कोई मतलब नहीं हाँ डिग्री इसका होगा वन मतलब नॉट ना डिफाइंड मालूम था बोलोगे डेरिवेटिव जो होता है जो डिवेडियक्स होता है वो, वो होना चाहिए पॉइनमियल हाँ वो एक अलग की बात है, है किसी किसी कोई हल लॉल कुत इन क्या होता है अरे क्या बात है मतलब <laughs> तो कहना वही चाहते थे यहाँ पे आ जाओ डिग्री नहीं पहले पहले तो ऑर्डर कितना है अधिकतम दो बार डिफ्रेंश किया गया और डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव का आपने क्या ले लिया है साइन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है इसका ऑर्डर दो डिग्री वन क्योंकि अधिकतम पावर वन है तो ये आपकी एक्सरसाइज है टफ नहीं है ठीक है इसमें केवल लफड़ा कौन करता है ऑर्डर सॉरी डिग्री डिग्री में अकड़ वकड़ भी खोलते हैं लोग नोट करिए